खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। अभी हम आए हुए सीतामढ़ी की धरती पे। यहाँ धार्मिक स्थल है जो सीता माई का, कहा जाता है कि सीता माई का यहाँ पे जन्म हुआ है। मैं अभी कुंड के किनारे हूँ। आइए हम लोग मिलते हैं बाबा जी लोग। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी बताइए कि ये मंदिर कब से है? यह राजा जनक जी का गुरु महाराज सतानंद जी है। राजा जनक जी है, जनक जी का पत्नी सुनैना जी है, जनक जी का भतीजी है, माता जानकी जी घड़ा में है। रावण सब ऋषि मुनि का कुंड का कर्ज लेते हैं, यही घड़ा में जमा करके धरती में हला दिए। यह धरती 12 बरस के आकार पर, 12 बरस के आकार में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना त्राय त्राय दम तोड़ रहे थे। यह सतानंद जी महाराज आज्ञा दिए राजा जनक जी का, राजा अपने राज्य में हल उठावेंगे तब बारिश होगा। यही राजा अपने राज्य में हल उठाए, घरा में ठोकर लगा, माता जानकी जी प्रकट हुए, बारिश हुआ तो यादगारी के ले ली तालाब हम के लोग के सीत कहला। नारद भगवान इसका नाम सीता जी रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। एक सीतामढ़ी बनारस और इलाहाबाद के बीच में मिर्जापुर स्टेशन है। माता जानकी जी धरती में समाएंगे। जय श्री राम। तो आपने देखा कि बाबा जी बता रहे हैं कि सीता जी का जन्म कैसे कैसे हुआ। बाबा जी ये बताइए आप कि ये जो मंदिर है इसमें आज ये रामनवमी की तैयारी हो रहा है? रामनवमी का तैयारी हो रहा है, बड़े धूमधाम से जुलूस निकाला जाएगा, पूरे बाजार में घुमाया जाएगा। हर बार से अच्छी तैयारी हो रही है, इस बार जोर शोर से हर साल ऐसा ही चलता है। जिन सब जिन से परंपराओं से आ रहा है ये सदियों, जब से मंदिर बना है तब से ये रामनवमी मनाया जा रहा है। रामनवमी मनाया जा रहा है। माता जानकी जी का जन्म हेलो मनाया जाता है जानकी नवमी का बैसाख में, और शहर में बहुत अपने अपने घर में दिवाली मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। आपका नाम क्या हुआ बाबा जी? विनोद शरण। विनोद शरण जी, आप सालों यहीं पे रहते हैं? हाँ, बरमाखल इसी जगह घर द्वार, यही हमारा मंदिर है। ठीक है, अभी हमने मिला बाबा जी।